अस्सलाम वालेकुम। अगर आप चाहते हैं कि आपके चेहरे की स्किन फेयर ब्यूटीफुल ब्राइट और शाइनी हो जाए तो आपने ये रेमेडी जरूर ट्राई करनी है जो घर में मौजूद चीजों से आप बना सकते हैं। बेबी क्रीम और वैसलीन से आप ऐसा मैजिक देखेंगे कि खुद हैरान रह जाएंगे। अगर चेहरे पर हैं छाइयां, स्याह धब्बे या बढ़ती उम्र की लकीरें, इस रेमेडी के इस्तेमाल से आपकी स्किन फर्म टाइट और ग्लोइंग हो जाएगी। इस रेमेडी से आप हासिल करेंगे ग्लास स्किन जैसे कोरियन स्किन होती है। चेहरे की जिल्द को शाइनी और मुनफरिद बनाने के लिए सबसे पहली जो चीज़ हम इस्तेमाल करें हैं वो है वैसलीन। वैसलीन तो हर घर में मौजूद होती है, इसके हम 2 टेबल स्पून ले लेंगे। वैसलीन से आप अपने चेहरे को मॉइस्चराइज कर सकते हैं, ड्राइनेस को ख़त्म कर सकते हैं, इरिटेशन को ख़त्म कर सकते हैं और ये आपके चेहरे को ग्लो भी देने में मदद देता है। दूसरी प्रोडक्ट जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो है बेबी ऑयल। तो 4 टेबल स्पून मैं बेबी ऑयल की डालूंगी। बेबी ऑयल स्किन को स्मूथ और मॉइस्चराइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फेस और बॉडी के लिए ये बहुत अच्छा होता है। तीसरी चीज़ जो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ वो है एलोवेरा जेल। 2 टेबल स्पून हम डालेंगे। ये आपकी स्किन से रिमूव करेगा डेड स्किन सेल्स को और ट्रीट करेगा एक्ने और सनबर्न को, जिसकी वजह से आपकी स्किन में एक मुनफरिद ग्लो और टाइटनेस आएगी। तो इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये देखिए बहुत अच्छा ये पेस्ट सा बन गया है। क्रीम तैयार हो चुकी है हमारी। हम इसको जार में शिफ्ट कर लेंगे। सर्दियां आने वाली हैं तो सर्दियों में आप ये इस्तेमाल कीजिए। ड्राई स्किन और स्किन काली सी हो जाती है सर्दियों में, तो ये बहुत अच्छी रहेगी। और उसके साथ साथ आपने थोड़ी सी इसमें से बचा लेनी है। और अब मैं आपको बताऊंगी कि हमने इस्तेमाल कैसे करनी है। इस्तेमाल हमने ऐसे करनी है कि अगर आपने मेकअप किया हुआ है तो आप क्लिनजिंग कर लीजिए। मेकअप उतारने के बाद आपने फेस और नेक पर इसको अप्लाई करना है। लाइट सा मसाज करना है, टैबिंग करनी है, हल्का हल्का टैप करने से आपकी स्किन और भी फ्रेश हो जाएगी और ब्लड भी सर्कुलेट करता है तो फिर चेहरे पे निखार भी बहुत आता है, टाइट स्किन भी हो जाएगी। और ये हम छोड़ देंगे पूरी रात के लिए। और एवरी नाइट आपने इसी तरह करना है कि इसको चेहरे पे लगा लीजिए और सुबह उठकर आप इसको धो लीजिए। और चाहे आपकी एज कोई भी हो, ये आपकी स्किन को टाइट करेगी, शाइन करेगी और ऐसी ग्लो देगी कि आप अपनी उम्र से बहुत कम नज़र आएंगे। जो मिक्सचर हमने बचा लिया था उसका हम बेबी ऑयल मास्क बना लेंगे। तो इसके अंदर हम शामिल करेंगे लेमन, थोड़ा सा हम इसमें लेमन डालेंगे। लेमन आपने फ्रेश ही इस्तेमाल करना है, बोतल का आप इस्तेमाल मत कीजिएगा। लेमन में विटामिन सी होता है और ये आपके चेहरे पे मौजूद ब्लैक स्पॉट्स यानी कि दाग धब्बों को दूर करने में मदद देता है और आपकी स्किन टोन को भी चेंज कर सकता है यानी कि ब्राइट कर सकता है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून दूध और साथ ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे कॉर्न स्टार्च। अब हम इन सब चीजों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे, एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। इसको भी हम एक जार में शिफ्ट कर लेंगे। दोनों ही रेमेडीज हमारी तैयार हो चुकी हैं। जबरदस्त है ये मास्क है, पेस्ट है, क्रीम है। आप इसको स्किन पे अप्लाई कीजिए और ज़बरदस्त सा रिजल्ट हासिल कीजिए। ये जान लेते हैं कि इस मास्क को हमने कैसे इस्तेमाल करना है। सबसे पहले हमने इसको फेस और स्किन पर या नेक पर आपने इसको अप्लाई करना है। उसके बाद हम इसका लाइट सा मसाज करेंगे। इस तरह आप देख सकते हैं, ऐसे आप इसका लाइट सा मसाज कीजिए। उसके बाद आप इसको 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 15 मिनट के बाद आपने इसको ठंडे पानी से धो लेना है, वॉश कर लीजिए। और वॉश करने के बाद घर में आपके पास जो भी मॉइस्चराइज़र के लिए कोई भी जो क्रीम या लोशन इस्तेमाल करते हैं तो वो अप्लाई कीजिए। ख़वातीन और मर्दों के लिए ये दोनों के लिए मौजू है और इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं काफ़ी दिनों तक, जब तक ये ख़त्म नहीं होती। इसका रोज़ाना इस्तेमाल आपकी जिल्द में मौजूद जो चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाती हैं उनको ख़त्म करेगा और स्पेशली जो आपके स्किन की टोन होती है उसको बेहतर करता है। जैसे कि कहीं से आपको स्किन येलो लगती है, कहीं से ब्लैक हो जाती है, ख़ासतौर पे सर्दियों में बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्शन ख़राब हो जाता है, तो ये उसको ब्राइटनेस देगा, टाइटनेस देगा, निखार पैदा करेगी ये रेमेडी। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।